भगवई बिआह पन्नति के 56वें 57वें सूत्र में कहा गया है, जीवाणं भन्ते स्वयं कर्म दुःखं वेदयन्ति गोयमा अथे गइयं वेदयन्ति अथे गइयं नो वेदयन्ति से केनठेनं भन्ते एवं बुच्चै अथे गइयं वेदयन्ति अथे गइयं नो वेदयन्ति गोयमा उदिन्नं वेदयन्ति नो अनुदिन्नं वेदयन्ति से तेनठेणं गोयमा एवं बुच्चै अथे गइयं वेदयन्ति अथे गइयं नो वेदयन्ति। दार्शनिक और धार्मिक जगत में एक यह बात आती है कि जो सुख दुख मिलता है प्राणी को उसके पीछे कारण क्या है। दार्शनिक क्षेत्र में तीन धारणाएं प्रचलित हैं। एक धारणा है ईश्वर कर्तृत्ववाद, कि जो भी प्राणियों को सुख दुख मिलते हैं वे ईश्वर के द्वारा दिए हुए मिलते हैं, कि हमें जो फल मिलता है सुख दुख का वो ईश्वर के द्वारा दिया जाता है, यह ईश्वर कर्तृत्ववाद है। दूसरा एक विचार रहा है कि अज्ञेयवाद, यानी यह अज्ञात है, पता नहीं है कि प्राणियों को सुख दुख क्यों मिलता है, देने वाला कौन है पता नहीं है, यह अज्ञेयवाद है, अज्ञात है यह बात। तीसरी धारणा है वह है कर्मवाद, कि प्राणी जैसा स्वयं कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल मिलता है, फल भोगना होता है, यह कर्मवाद की अवधारणा है। जैन दर्शन या जैन धर्म इस कर्मवाद की अवधारणा को मानने वाला धर्म है, दर्शन है, कि कोई ईश्वर हमें सुख दुख देने वाला नहीं है, यह जैन दर्शन का विचार है। अज्ञात भी नहीं है, हमें अपने कर्मों से फल मिलते हैं। तो यह कर्मवाद का सिद्धांत है। इस विषय में भगवती सूत्र में एक प्रश्न किया गया है कि जीव प्राणी स्वयं कृत दुख को भोगते हैं, यह बात सही है क्या? यानी इसके उत्तर में कहा गया कि स्वयं कृत कुछ भोग लेते हैं, कुछ नहीं भी भोगते हैं। यह कैसे कुछ भोगते हैं कुछ नहीं भोगते हैं? इसका उत्तर दिया गया कि जो उदय में आ गया कर्म उसको भोगते हैं, उदय में नहीं आया उसको नहीं भोगते हैं। जैन आगम वांग्मय में भी और अन्य ग्रंथों में भी कर्मवाद पर प्रकाश डाला गया है कि प्राणी भोगता है। अब एक जन्म में जितने कर्म किए हैं कोई सारे एक जन्म में भोग लेगा, यह बात सर्वत्र लागू नहीं। जो जो उदय में आएंगे उन उनको भोगेगा। कई जन्मों के कर्म अभी तक संचय में हैं, अभी तक भी सारे उदय में नहीं आए हो सकते हैं। तो जो भोगेगा वह स्वयंकृत ही भोगेगा, पर स्वयंकृत को सारा ही एक जन्म में ही भोग लेगा यह भी नहीं है। अब दूसरी बात है जो प्रतीत हुई
कि कर्म किया तो है, अगर उसकी तपस्या के द्वारा निर्जरा कर दी तो फिर भोगना नहीं पड़ेगा। जो निर्जरा कर दी है तपस्या से, साधना से, पाप कर्म किए हुए थे पर निर्जरा कर दी तपस्या से, फिर उनका फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो जो उदय में आएंगे उनको प्राणी भोगते हैं, उनको भोगेंगे, उदय में नहीं आएंगे उनको नहीं भोगेंगे। परंतु भोगेंगे वो अपना किया हुआ ही भोगेंगे। तो यह कर्मवाद की थ्योरी है, सिद्धांत है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैन दर्शन में 8 कर्म बतलाए गए हैं, वे 2 भागों में विभक्त हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म घाती हैं, इन्हें घन घात्य भी कहा जा सकता है। शेष 4 कर्म वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये अघाती कर्म हैं। घाती कर्म हैं वे ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं, क्योंकि ज्ञानावरणीय है, हमारी आत्मा का ज्ञान गुण है उसको आवृत करने वाला, दर्शनावरणीय दर्शन को आवृत करने वाला, सामान्य अवबोध है वो दर्शन है, विशेष अवबोध ज्ञान है। मोहनीय कर्म चेतना को विकृत बनाने वाला है, भावों को दूषित करने वाला है। अंतराय कर्म शक्ति का प्रतिरोध करने वाला, शक्ति को रोकने वाला हो जाता है। तो ये 4 घाती कर्म हैं वे आत्मगुणों का नाश करने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा नुकसानदेह कर्म ये 4 हैं। वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र हैं वे कोई ज़्यादा नुकसान, ठीक है पुण्य के रूप में, पाप के रूप में भौतिक अनुकूलता प्रतिकूलता पैदा भले कर दें, और ज़्यादा कोई आत्मा का नुकसान करने वाले नहीं हैं। इसलिए घाती और अघाती 2 विभाग कर दिए गए, आत्मगुणों की घात करने वाले घाती, घात न करने वाले अघाती। 4 घाती कर्म हैं उनमें भी ज़्यादा नुकसानदेह मोहनीय कर्म है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, अगर मोहनीय कर्म न हो तो ये क्या तो बंधेंगे, क्या कितना आगे करेंगे, मूल बंधेंगे भी नहीं। इसलिए घाती कर्मों में भी सर्वाधिक जो नुकसान करने वाला कर्म है वह मोहनीय कर्म होता है। हम हमारे जीवन को, प्राणियों को, उनकी वृत्तियों को, प्राणियों के जीवन क्रम को कर्मवाद के आलोक में विश्लेषित कर सकते हैं। जैसे बच्चा है, मेंटली ऐसा ही है, अविकसित है, मानसिक रूप में अविकसित है, ठीक है तो भी समझ शक्ति ठीक नहीं है, स्मरण शक्ति ठीक नहीं है, श्रवण शक्ति ठीक नहीं है, दर्शन शक्ति भी ठीक नहीं है, ग्रास्पिंग पावर नहीं है इतना कि कितना ही समझा दो ज़्यादा समझ नहीं पाता है, यानी ज्ञानात्मक विकास नहीं है। जैसे भोला सा होता है, कहीं समझता नहीं है, तो यह क्यों है? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय क्रम का, या ज्ञानावरणीय क्रम का खास उदय है, प्रबल उदय है, तब इतना अविकास है उसका, उम्र के साथ भी विकास नहीं हो रहा है। हो गया 12 साल का, समझ अब तक 8 साल जितने भी नहीं है। तो ज्ञानावरणीय कर्म का प्रभाव है यह अनुमान लगा सकते हैं। तब कोई लड़का आदमी मानसिक रूप में ज्ञान की दृष्टि से अविकसित है। अब दूसरा लड़का बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि वाला, बहुत जल्दी कंठस्थ कर ले, बहुत जल्दी बात को समझ ले, पकड़ ले, तर्क भी कर ले, अच्छा विकास है बौद्धिकता का,
इसका मतलब है उसके ज्ञानावरणीय कर्म हल्का है, क्षयोपशम अच्छा है, तब उसका इतना ज्ञानात्मक बौद्धिक विकास हो रहा है, हुआ है, क्षमता अच्छी है। अब हम स्वास्थ्य के हिसाब से देखें, एक आदमी है कि 50-60 वर्ष बीत गए, कभी हॉस्पिटल में जाने का काम ही नहीं पड़ा, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत निरोग रहता है, विशेष डॉक्टर के पास कोई दिखाने का बताने का काम ही नहीं पड़ता है, विशेष दवाई भी नहीं चलती है, एकदम बहुत निरोग शरीर है, सुडोल मजबूत शरीर है। 80 वर्ष आ गए, शरीर बहुत ठीक है, जिंदगी भर प्रायः स्वस्थ रहा है, तो मानना चाहिए उसके सातवेदनीय का या असातवेदनीय का अभाव है, या सातवेदनीय का योग अच्छा है, शरीर इतना मजबूत है, स्वस्थ है, दवाई का विशेष काम ही नहीं पड़ता है। कोई कोई आदमी मिल सकते हैं जिनके दवाई का ज़्यादा काम ही नहीं पड़ता है, हॉस्पिटल में कभी भर्ती हुए ही नहीं है कभी, तो सातवेदनीय का योग हो, असातवेदनीय दूर हो, तो आदमी ऐसा जीवन स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। कोई कोई आदमी है आए दिन तकलीफ रहती है, वर्ष में अनेक बार हॉस्पिटलाइज हो जाना पड़ता है, दवाइयाँ चलती रहती है, शरीर दुखता रहता है, इसका मतलब असातवेदनीय का कोई योग है, तब वह कष्ट पा रहा है। एक आदमी है बहुत शांत स्वभाव का है, बहुत मिलनसार शांत स्वभाव का, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, गुस्सा नहीं, कलह नहीं, तू नहीं, एकदम शांति से रहने वाला, देखते ही मानो मन हर्षित हो जाए, इतना अच्छा व्यवहार रखने वाला है, तो मानना चाहिए बड़ा संतोषी है, कोई ज़्यादा लालसा नहीं, मोहनीय कर्म हल्का है, तब स्वभाव इतना अच्छा है। कोई आदमी गुस्से बात बात में गुस्से में आ जाता है, मिलनसार नहीं है, बहुत लालची है, धोखेबाज है, इसका मतलब मोहनीय कर्म का प्रभाव ज़्यादा है, तब उसका जीवन का क्रम इतना विकृत है, दूषित है। एक आदमी आयुष्य बहुत लंबा है, बहुत अच्छा जीवन, तो आयुष्य क्रम की अनुकूलता है, और किसी का जीवन कष्टमय भी है, फिर जल्दी मर भी जाता है, तो आयुष्य क्रम की स्थिति ठीक नहीं है। प्रतिष्ठा को देखें, एक आदमी की बड़ी प्रतिष्ठा है, समाज में प्रतिष्ठा है, लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं, उसकी सलाह मांगते हैं, उसके भाषण को सुनना चाहते हैं, क्या और बोले और बोले और बोले, कहीं भी जाए लोग खड़े होते हैं, इज्जत देते हैं उसको, इसका मतलब उसके पुण्यवत्ता अच्छी है, कि नाम जो भी बात कह दी, आम तौर से उसकी बात को कोई टालता नहीं, जो कह दिया वो करने को तैयार है, आदेय वचन है, शरीर भी बड़ा सुंदर है दिखने में, इसका मतलब नामक्रम का पुण्य, शुभ नामक्रम का अच्छा उदय है, नाम गोत्र क्रम अनुकूल है, सब अनुकूल बाह्य अनुकूलताएं हैं, जाति कुल सब अनुकूल स्थितियां हैं। और कोई कोई आदमी उसकी बात कोई सुनना ही पसंद नहीं करता, भाषण देने शुरू हो गया तो नो मोर लाइक, बैठ जाओ बस, कोई बात मानता नहीं है, कहता है कोई महत्व नहीं देता उसकी बात को, शरीर भी दिखने में सुंदर नहीं, तो इसका मतलब कोई प्रतिष्ठा नहीं, जाति कुल भी सब अनुकूल नहीं, उसके नाम गोत्र की शुभता नहीं है, पुण्यवत्ता नहीं, पाप का उदय है, तब यह स्थिति बन सकती। यो हम कर्मों के आधार पर आदमी के जीवन की व्याख्या कर सकते हैं, कौन आदमी के किस कर्म का उदय ज्यादा है, यह हम अनुमान लगा सकते हैं। पुण्य का योग है, बीच में कोई कष्ट भी आ जाए, अब कोई चक्रवर्ती बना है, कोई वासुदेव बना है, कोई राजा बना है, या वर्तमान में सरकार में मंत्री आदि बना है, राष्ट्रपति बना, प्रधान, तो संभव है कि पुण्य का योग ठीक है,
तब उच्च पदों पर आदमी आ जाता है। जाति से भले बहुत ऊंचा नहीं पर ऊंचे पद पर, लोकतंत्र है ऊंचे पद पर आ जाए। तो यूं पुण्य पाप की हम व्याख्या कर सकते हैं, किस आदमी के किस कर्म का अभी किस रूप में उदय चल रहा है यह अनुमान लगा सकते हैं। यह ज्योतिष के आधार पर जो बातें बताई जाती है अभी कि यह ग्रह यह योग है यह योग है, तो यह ज्योतिष है कर्मवाद है, इनकी एक तुलनात्मक भी कोई स्टडी अध्ययन भी हो सके किस कर्म के संदर्भ में ज्योतिष का क्या स्वरूप रहेगा, आदमी पर क्या प्रभाव रहेगा। तो यह सारा कर्मवाद का एक बहुत विस्तृत विषय है और जैन आगमों में जैन ग्रंथों में कर्मवाद पर अच्छा एक प्रकाश डाला गया है। तो हमारे आगमों में भी है और भी ग्रंथों में कर्म ग्रंथ भी हैं, कर्म की बातें मिलती हैं। अब बात यह है कि कर्म की बात है मान ली भी, पुण्य का फल भी, अच्छे का भी फल भोगना होता है, बुरे का भी फल भोगना होता है। और पता नहीं कौन सा कर्म कब उदय में आ जाए। एक आदमी सोचता है कि मेरी जिंदगी में ये कष्ट के दिन क्यों आ गए, मेरे सामने लड़का चला गया, मेरे सामने व्यापार में घाटा लग गया, शरीर में बीमारियां हो गई, चारों ओर से दुख दुख मुझे घेर रहे हैं, मैंने जिंदगी में कौन सा ऐसा गलत काम किया जो मुझे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। कि मेरा पिता इतना जल्दी क्यों चला गया मुझे छोड़ के, मैंने कौन सा पाप किया क्यों ऐसा हुआ। तो देखिए वर्तमान में जीवन में पाप किए अथवा नहीं किए एक बात हम इसको छोड़ दें, पर पीछे तो कोई कर्म किए हुए हो सकते हैं ना। इस जिंदगी में पाप कर्म कोई विशेष नहीं भी किए, पहले किए हुए कर्म तो उदय में आ ही सकते हैं। एक आदमी है उसने आकाश में भाटा ऊपर पत्थर फेंका, जो फेंक दिया वो तो नीचे गिरेगा ही ना। अब नहीं फेंकोगे तो मान लो नहीं गिरेगा, पर तुमने फेंका वो तो वापस नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो जो कर्म किए हुए हैं वो तो भोगने पड़ेंगे ना। तो ये कर्म भोगने होते हैं, कभी पुण्य के रूप में भी भोगने होते हैं। अब पुण्य का उदय हो तो आदमी छोटी उम्र में ही बहुत नामी बन जाता है, बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, लोग बहुत इज्जत करते हैं, बड़े पद पर आ जाते हैं। आचार्य तुलसी थे, करीब 22 वर्ष की उम्र में आचार्य बन गए, बहुत छोटी उम्र में थे। अनुमान है उनके कोई अच्छा पुण्य का योग रहा होगा, इतने जल्दी वे आचार्य पद पर आ गए। तो पुण्य का उदय हो उसमें भी आदमी सावधान रहे कि उन्माद में पाप में प्रमाद में ज्यादा न जाए। कि ठीक है पुण्य का योग है, मुझे प्रतिष्ठा मिल रही है, इज्जत मिल रही है, लोग मेरी बात का सम्मान करते हैं, सुख सुविधाएं ठीक है, शरीर मेरा ठीक है, पुण्य का योग है, पुण्य से वैभव संपत्ति बहुत मिल जाती है। पर वो पुण्य का उदय काल है उसमें आदमी शालीनता सादगी संतोष अपना संयम रखे, वो खास बात है। कि पुण्य में वो मद में चला जाए, पुण्य न हो भी वो पुण्य से वैभव मिले उसमें मद आ जाए, घमंड आ जाए, पाप करे, तो वो पुण्य का उदय था वो आगे पाप का निमित्त बन सकता है, आगे पाप की ओर धकेलने वाला, दुर्गति में ले जाने वाला बन सकता है। आसाधना कहीं न हो जाए। भगवान महावीर त्रिपृष्ठ के भव में थे, त्रिपृष्ठ वासुदेव बने थे। अब वासुदेव बने तो मान के चले कोई पुण्य का अच्छा योग था तब वासुदेव बन गए थे। तो वासुदेव तो प्रभु बन गए थे, पर आगे क्या हुआ, आगे सातवीं नरक में पधारना पड़ा। यानी वो वासुदेव पुणे का जो पुण्य का योग था, हो सकता है वो पुण्यवत्ता भी आगे के लिए पाप का निमित्त बन गई और आगे महान घोर नरक में आत्मा को जाना पड़ा।
तो पुण्य काल में यह सावधानी हमें रखनी चाहिए कि यह मेरा पुण्य है वो पाप के बंद का निमित्त न बन जाए। पुण्य का भी भरोसा नहीं है कितने वर्षों तक वो क्रम चलेगा, बीच में ही। अब देखिए कई कई लोगों को हम देखें कि एक समय युवा अवस्था में थे, इतने धनाढ्य बन गए, इतना नाम हो गया, इतने धनवान, इतने बड़े उद्योगपति, ऐसे ऐसे। बीच में ऐसा कोई समय आता है ऊपर से नीचे आ जाते हैं, तो सारा उनका पिछला था वो एकदम मंद पड़ जाता है। तो पुण्य कभी तेज है, कभी ऐसा वो नीचे चला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए प्लेन में कोई आदमी यात्रा कर, हेलीकॉप्टर में यात्रा करता है, अच्छी तरह यात्रा हो रही है, अकस्मात ऐसा यंत्र खराब हुआ हेलीकॉप्टर नीचे आके गिर गया। तो इसी तरह पुण्य का हेलीकॉप्टर है, कभी खूब अच्छा चलता है, बीच में ऐसा खराब होता है एकदम आदमी को नीचे ला देता है। तो पुण्य काल में ज़्यादा घमंड अहंकार वो नहीं करके अपना संयम, व्यक्तिगत जीवन में संयम सादगी रखे, धर्म का आश्रय रखे, वो वांछनीय है। इसी तरह पाप का उदय हो, तकलीफें आ रही है, तो भी आदमी समता शांति रखे, ये दिन भी कभी चले जाएंगे, कर्मों का योग है, शांति से भोगें। मैंने कोई पाप कर्म किए होंगे उसका फल भोग रहा हूँ, तो कर्म पाप का फल भी भोगने में समता शांति रखें तो वो हितकर हो सकता है। तो यूं ये जैन दर्शन का जो कर्मवाद का सिद्धांत है और भगवती सूत्र में जो कहा गया कि स्वयं कृत कर्म को भोगता है और सारा कर्म इसी जिंदगी में भोग लेगा, ये भी जरूरी नहीं है या बात न हो, निर्जरा हो गई तो उसको भी नहीं भोगना पड़े। तो ये कर्मवाद की अनेक बातें हैं, हम पाप कर्मों से, पापाचरणों से बचने का प्रयास रखें, यह काम्य है।